कैरी मिनाटी और मॉर्टल, ये दोनों ही आज ऐसे नाम हैं जो कि इंडियन यूथ में आज खूब ज्यादा फेमस हैं। जहां कैरी मिनाटी ने अपना इतना बड़ा नाम अपनी रोस्टिंग वीडियोस के जरिए कमाया, वहीं मॉर्टल पूरे इंडिया में फेमस हुए पबजी गेम की वजह से। हालांकि कैरी मिनाटी भी गेमिंग में एक बहुत ही पुराना नाम है, जिन्होंने की अपना गेमिंग सफर मॉर्टल से भी पहले से शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज जरूर होंगे कि इन दोनों पर्सनैलिटीज में से ज्यादा बड़ा गेमर कौन है और कौन इंडियन यूथ में ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा, तो जुड़ रहे हैं आप हमारी इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैरी मिनाटी की। तो कैरी मिनाटी का असली नाम है अजय नागर और इनका जन्म 12 जून 1999 को फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। फरीदाबाद के ही दिल्ली पब्लिक स्कूल से कैरी मिनाटी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। लेकिन बचपन से ही अजय का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि ये पढ़ाई से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करते थे, जिसके लिए कि कई बार तो ये अपनी स्कूल की भी छुट्टी कर लिया करते थे और अपने दोस्तों के घर गेम्स खेलने चले जाया करते थे। इन सब के लिए इन्हें कई बार अपने घर से डांट भी सुनने को मिलती थी। कैरी मिनाटी का स्कूलिंग के समय रूटीन था डेली स्कूल से आने के बाद काउंटर स्ट्राइक गेम खेलना, जिसकी वजह से ये पूरे दिन गेम ही खेलते रहते थे और पढ़ाई पे अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इनका पूरा बचपन इसी तरह से गुजरा और अपनी 11वीं क्लास में पढ़ाई से तंग आकर इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ने का मन बनाया, जिसके लिए कि इनकी फैमिली ने इन्हें इनके ही हाल पे छोड़ दिया। अपनी स्कूलिंग के दौरान से ही ये यूट्यूब पर भी वीडियोस बना रहे थे, जिसमें कि ये फुटबॉल ट्रिक्स की वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करते थे। लेकिन इनकी इन वीडियोस को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था, क्योंकि पहले से ही यूट्यूब पर ऐसी कई वीडियोस अपलोडेड थी। अब कैरी मिनाटी ने अपने वीडियोस के कंटेंट को थोड़ा चेंज किया और अपने चैनल पर गेमिंग वीडियोस पर वॉइस ओवर करके रोस्टिंग वीडियोस बनानी शुरू की। इंडियन ऑडियंस को ये सब कुछ बिल्कुल नया लग रहा था, जिसकी वजह से कि लोगों ने भी इन्हें खूब ज्यादा प्यार दिया। बस उसी दिन से कैरी मिनाटी रेगुलर अपने कंटेंट को अच्छा करते रहे और आज हाल कुछ यूं है कि कैरी मिनाटी के चैनल पर आज 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसके साथ साथ ये अपने गेमिंग चैनल पर भी रेगुलर एक्टिव रहते हैं, जिसका कि नाम कैरीज लाइव है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी कैरी मिनाटी की। अब हम बात करते हैं मॉर्टल की, कि कैसे नमन माथुर बना सोल मॉर्टल। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 22 मई 1996 से, जब मुंबई की एक मराठी फैमिली में मॉर्टल का जन्म हुआ। नमन माथुर बाकी और सभी बच्चों की तरह बचपन से ही गेम्स खेलने में काफी रुचि रखते थे, जिसमें कि ये अपनी पढ़ाई और गेम्स को बिल्कुल बराबर तालमेल के साथ लेकर चलते थे। नमन माथुर का बचपन तो वैसे ही बीता, लेकिन जब ये थोड़े बड़े हुए तब इन्हें GTA San Andreas गेम का बुखार कुछ इस कदर चढ़ा कि ये अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से साइड में रखकर इस गेम को पूरा दिन खेलने लगे। इन सब को देखकर नमन माथुर की फैमिली अक्सर काफी परेशान रहती थी, क्योंकि अब नमन अपना गेमिंग में बहुत ज्यादा समय बिताने लगा था। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और मार्केट में नए नए गेम्स आते गए। नमन जो भी मार्केट में नया गेम आता था उसे खूब खेला करते थे, जिसमें कि इन्होंने मिनी मलेशिया, मारियो और काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स खूब खेले थे। और अब मार्केट में कुछ समय बाद एक ऐसा गेम लॉन्च हुआ जिसने कि नमन माथुर के साथ साथ और भी कई गेमर्स को अपनी तरफ काफी तेजी से आकर्षित किया। इस गेम का नाम था पबजी और नमन माथुर ने इस गेम के लॉन्च होने के कुछ समय बाद से ही इस गेम को खेलना शुरू कर दिया था। और बहुत ही जल्द नमन माथुर ने इस गेम पर अपनी अच्छी खासी पकड़ भी बना ली थी, जिसके बाद कि ये इस गेम को काफी अच्छा खेलने लगे थे। इसके साथ साथ नमन माथुर ने यूट्यूब पर अपना एक मॉर्टल के नाम से चैनल भी बना लिया, जिसपे कि अब ये रेगुलर पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग करते थे। और इनके इन गेम प्लेस को लोगों ने कितना ज्यादा पसंद किया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मॉर्टल आज पूरी दुनिया में तीसरे सबसे बड़े पबजी प्लेयर हैं। और आज इनके YouTube चैनल पर करीब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी लाइव स्ट्रीम पे वॉचिंग लाखों में आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मॉर्टल और कैरी मिनाटी, इन दोनों में से एक अच्छा गेमर कौन है और कौन इंडियन यूथ में ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अच्छे गेमर की, तो नमन माथुर कैरी मिनाटी से अच्छा प्लेयर है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की, तो कैरी मिनाटी आज इंडियन यूथ में मॉर्टल से कहीं ज्यादा फेमस है। हालांकि दोस्तों, कैरी मिनाटी वो नाम है जो कि इंडिया में गेमिंग रेवोल्यूशन लेकर आया, लेकिन मॉर्टल को आज गेमिंग में देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपका इन दोनों में से कौन फेवरेट है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।